हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑप्थेल्मोलॉजी एट होम। और आज हम बात करेंगे आई में एक बहुत ही बेसिक टॉपिक की कि विजन कैसे असेस करते हैं। सो बिकॉज योर आईज दे आर प्रिडोमिनेटली द ऑर्गन्स ऑफ विजन या साइट, तो आज हम बात करेंगे विजन या विजुअल एक्यूटी की। और साथ ही हम पढ़ेंगे कि आपका ट्रायल बॉक्स या ट्रायल फ्रेम या ट्रायल लेंसेस क्या होते हैं। सो विजन में देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। सो विजन में आपके पास विजुअल फील्ड भी है, कलर विजन भी है, स्टीरियोप्सिस भी है, पर जो मेन और मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं विजुअल एक्यूटी। तो ये लाइन को हम ऐसे ही याद करेंगे कि विजुअल एक्यूटी क्या है। सो विजुअल एक्यूटी इज बेसिकली अ मेजर ऑफ स्पेशियल रेजोल्यूशन ऑफ द आई, राइट। सो विजुअल एक्यूटी इज अ मेजर ऑफ स्पेशियल रेजोल्यूशन ऑफ द आई और द एबिलिटी ऑफ द आई और द एबिलिटी ऑफ द आई टू डिफ्रेंशिएट या डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू डिस्क्रिमिनेट या डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। तो इस डेफिनेशन को हम ऐसे याद कर सकते हैं। सो विजुअल एक्यूटी या इन शॉर्ट VA इज अ मेजर ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द आई और द एबिलिटी ऑफ द आई टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इस विजुअल एक्यूटी को अगर हम डिस्टेंस या दूर की विजन की बात करें तो विजन को भी आप डिस्टेंस, इंटरमीडिएट या नियर विजन में डिवाइड कर सकते हो। पर अगर हम दूर की या डिस्टेंस विजन की बात करें, सो डिस्टेंस विजन को चेक करने के लिए हमारे पास एक चार्ट होता है जिसका नाम है, जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, स्नेलन्स चार्ट। सो दूर की या डिस्टेंस की विजन को चेक करने के लिए जो चार्ट है वो है स्नेलन्स चार्ट। अब ये जो स्नेलन्स चार्ट है आपका कई फॉर्म्स में हो सकता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल पेपर चार्ट, पर उसमें जो लेटर्स है, जो प्रोटोटाइप है, दैट इज ऑफ द स्नेलन्स चार्ट। या ये एक सेल्फ इल्यूमिनेटेड या बल्ब या लाइट से इल्यूमिनेटेड चार्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। या आजकल मॉडर्न जो है LED या LCD स्क्रीन आती हैं जिसके अंदर भी डिस्टेंस विजन को चेक करने के लिए हमारे पास स्नेलन्स चार्ट होता है। तो बेसिकली अगर आप स्नेलन्स चार्ट को देखें तो स्नेलन्स चार्ट क्या है, इसमें हमारे पास लेटर्स हैं, लेटर्स तो डिक्रीजिंग साइज में लेटर्स हैं। तो कई तरह के ऑप्टोटाइप्स हैं। लेट्स से अगर हम एक एग्जांपल चूज करें तो जिसमें आपके लेटर्स हैं ए, उसके बाद एक्स ओ, उसके बाद टी वी एच, और लेट्स से उसके बाद यू ए एक्स, उसके बाद एच टी ओ वी, उसके नीचे एक्स ए यू एम टी, और लास्ट में वी एच ए आई एक्स यू एंड वाई। तो आप देख सकते हो कि ये एक एग्जांपल है स्नेलन्स चार्ट की या प्रोटोटाइप की या ऑप्टोटाइप की रादर। तो इसमें ये जो लेटर्स हैं ये डिक्रीजिंग साइज में है कि सबसे ऊपर वाली लाइन का लेटर आपका मैक्सिमम साइज का है। और इसमें आगे हम इसका डिस्टेंस याद कर सकते हैं। सो सबसे टॉप मोस्ट इज 60, फॉलोड बाय 36, 24, 18, 12, 9 एंड 6। हम इसका मतलब अभी दो मिनट में समझेंगे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्नेलन्स चार्ट। अब इसमें हर लेटर, ईच लेटर या एवरी लेटर एक बेसिकली स्क्वायर बॉक्स में होता है। बिकॉज ये जो चार्ट है ये आपके साइंटिस्ट स्नेलन्स के नाम से पड़ा है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो हर लेटर जो है, ईच लेटर जो है वो एक स्क्वायर की फॉर्म में है, और ईच लेटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 5 मिनट्स एट द नोडल पॉइंट ऑफ द आई व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस। तो अगर आप टॉपमोस्ट ए की बात करें तो पूरा लेटर ए जो है इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 5 मिनट्स एट द नोडल पॉइंट ऑफ आई व्हेन रेड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर्स। सो ये बेसिकली डिस्टेंस है जहां से हमने इसको पढ़ना है। तो ए इज 60 मीटर, 36 मीटर, 24 मीटर, 18 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर एंड 6 मीटर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमने इस चार्ट को पढ़ना है, तो इसको पढ़ने के लिए हम एक डिस्टेंस फिक्स करेंगे। सो वो डिस्टेंस हमने फिक्स किया है 6 मीटर या 20 फीट।
तो जो विजुअल एक्टिविटी हम लिखते हैं उसमें एक न्यूमिरेटर है और उसमें एक डिनोमिनेटर है, तो इसको हम लिखते हैं लेट से ऐसे लाइक दिस। तो जो न्यूमिरेटर है वो है आपका डिस्टेंस, जहां से आप इस चार्ट को पढ़ोगे तो उसको हमने फिक्स कर दिया, दैट इज 6 meters। तो ऊपर वाला फिक्स हो गया 6। अब जो नीचे वाला है इसको ध्यान से समझिए प्लीज। तो नीचे वाला क्या है कि नीचे वाला आपका डिस्टेंस है, जो डिनोमिनेटर है वो है आपका डिस्टेंस, जहां से एक नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल बंदा उस लाइन को पढ़ेगा जिससे जो जो आपके पेशेंट ने पढ़ी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पेशेंट आपके पेशेंट ने सारी लाइंस पढ़ दी 6 meters के डिस्टेंस से, तो ऑब्वियसली जो विजुअल एक्टिविटी है आपके पेशेंट की वो हो गई 6/6। तो इसका मतलब ये जो पेशेंट है आपका, इसकी जो विजन है या विजुअल एक्टिविटी है वो बिल्कुल नॉर्मल है। सो नीचे वाले 6 का मतलब है कि दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम विच अ नॉर्मल पर्सन इज गोइंग टू रीड दैट लाइन जो आपके पेशेंट ने पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस हिसाब से आपकी जो बेस्ट पॉसिबल विजन है वो हो गई 6/6। सो 6/6 का मतलब है कि ये जो आपका पेशेंट है इसकी विजन जो है बिल्कुल नॉर्मल है, विच मींस कि ये 6 meters के फिक्स डिस्टेंस से, जहां से हमने उसको बिठा के ये सारा चार्ट पढ़ाया है, तो 6 meters के डिस्टेंस से वो बिल्कुल लास्ट वाली लाइन पढ़ सकता है। लेट्स से कि आपका जो पेशेंट है वो यहां पर आकर अटक गया, तो पेशेंट जो है सिर्फ एक्स ए यू एम टी पढ़ रहा है और लास्ट वाली लाइन उसको नजर नहीं आ रही, तो इसको हम लिखेंगे कि ऊपर वाला न्यूमरेटर तो फिक्स है बिकॉज 6 meter से पढ़ रहा है, और नीचे वाला जो है उसने लास्ट लाइन कहां तक पढ़ी है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 9 meters। सो उसकी विजुअल एक्टिविटी हो गई 6/9। तो 6/9 का मतलब है कि नॉर्मल बंदा जो है वो लास्ट वाली लाइन जो आपके पेशेंट ने पढ़ी है उसको 9 meters से पढ़ सकता है, जो आपका पेशेंट सिर्फ 6 meters से पढ़ रहा है। तो इसका मतलब आपके पेशेंट की जो विजन है या विजुअल एक्टिविटी है वो नॉर्मल 6/6 से कम है। सो देयरफॉर अगर हम इसको ट्रांजिशन के हिसाब से देखें तो जो आपकी बेस्ट विजन है, राइट, तो इस हिसाब से हम विजन को चेक करेंगे, क्योंकि विजन चेक करना आपके आई में सबसे बेसिक और प्राइमरी चीज है। लेट्स से जैसे कैटरेक्ट के केसेस हम डिस्कस करेंगे ग्रेजुअली, तो विजन चेक करना जो है ये मोस्ट बेसिक और सबसे प्राइम चीज है। सो देयरफॉर स्नेलेंस चार्ट के अकॉर्डिंगली आपकी जो बेस्ट विजन है वो हो गई 6/6, उससे कम हो गई 6/9, उससे कम 6/12, 6/18, 6/24, 6/36, 6/60। अब लेट्स से कि आपका पेशेंट 6 meter के डिस्टेंस से उसको ए भी नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, तो आप उसके डिस्टेंस को कम कर दोगे, तो यही ए आप कोशिश करोगे कि वो पेशेंट जो है 6 meter की बजाय 5 meter से बढ़ने की कोशिश करे, तो आपकी विजुअल एक्टिविटी उस केस में बन जाएगी 5/60। पर उसको 5 meter से भी नहीं दिख रहा, उसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे डेंस कैटरेक्ट है, कॉर्नियल ओपेसिटी है, रेटिनल प्रॉब्लम है, तो आप इसके डिस्टेंस को 1-1 meter से कम करते जाओगे, तो ये बन जाएगा 4/60, नहीं बढ़ा 3/60, नहीं बढ़ा 2/60, अभी भी नहीं दिख रहा 1/60। सो 1 meter से भी पेशेंट को टॉप मोस्ट लेटर जो है नहीं नजर आ रहा, तो 1/60 से आप नेक्स्ट स्टेप करोगे फिंगर काउंटिंग, आप उसको अपनी फिंगर्स गिनाओगे, लेट्स से 2 finger 3 finger फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3 meters, ऑब्वियसली नहीं दिख रही तो फिंगर काउंटिंग एट 2 meters, फिंगर काउंटिंग एट 1 meter, फिंगर काउंटिंग FC क्लोज टू फेस, उसके चेहरे के बिल्कुल पास जाके पूछोगे ये कितनी उंगलियां हैं, नहीं दिख रही क्योंकि उसकी आईसाइट बहुत कम है, सिर्फ ये पूछोगे हाथ हिलता है, तो हाथ हिलता है को बोलते हैं हैंड मूवमेंट, इन शॉर्ट HM, वो भी नहीं दिख रहा कि पेशेंट को ऐसे हाथ का भी नहीं पता लग रहा, तो नेक्स्ट स्टेप है कि सिर्फ आप टॉर्च की लाइट से पूछोगे, हाँ जी आपकी आंख में लाइट है या नहीं, तो लाइट है उसको बोलते हैं परसेप्शन ऑफ लाइट या PL, है तो प्लस, नहीं है तो माइनस, यानी कि लाइट भी पता नहीं लग रही, और अगर लाइट पता लग रही है फिर हम देखेंगे कि चारों क्वाड्रेंट्स यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं, राइट, आप इसको ऐसे बना सकते हो, सो सुपीरियर इंफीरियर नेजल एंड टेम्पोरल, तो चारों डायरेक्शन से लाइट पता लग रही है या नहीं, इसको बोलते हैं PR यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट जो है कहां से आ रही है, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू असेस विजन इन एनी प्रॉब्लम ऑफ आई। सो आई की आंख की कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आप विजन असेस करोगे
तो उसको हम इस ग्रेड से असेस करेंगे, राइट। तो अब क्विकली और जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं ट्रायल फ्रेम के बारे में। तो ये तो आपका बेसिक था कि विजन कैसे असेस करनी है, तो ये है आपका ट्रायल फ्रेम। तो इस पूरे को आप बोल सकते हो ट्रायल सेट या ट्रायल बॉक्स। तो ये जो लेंजेज हैं ये हैं ट्रायल लेंजेज, और ये जो फ्रेम है ये है आपका ट्रायल फ्रेम। तो इन शॉर्ट हम जल्दी से देखते हैं कि इस पूरे ट्रायल बॉक्स में या सेट में क्या है। सो इसमें एक तो ट्रायल लेंजेज हैं जो स्फेरिकल हैं, सिलेंड्रिकल हैं, राइट। स्फेरिकल में आपके पास माइनस या कॉनकेव लेंजेज हैं, प्लस या कॉन्वेक्स लेंजेज हैं, वो हम देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। इसके अलावा इसमें प्रिज्म्स होते हैं जो आप स्क्विंट में यूज़ करते हो, प्रिज्म डायोप्टर्स। इसके अलावा ट्रायल बॉक्स में हमारे पास ऑक्लूडर है, तो ये है आपका ऑक्लूडर जो बिल्कुल अगर आप देखो ब्लैक है, ओपेक है। एक और ग्लास होता है जिसके अंदर छोटा सा 1 mm के करीब का पिन के साइज जितना होल है, दिस इज़ कॉल्ड पिन होल। इसके अलावा आपके पास ग्रीन ग्लास है, रेड ग्लास है और एक मेडॉक्स रॉड है। तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि हम इस पूरे ट्रायल बॉक्स में या सेट में इन ग्लासेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो इससे पहले मैं जल्दी से आपको दिखा दूं, ये आपका नियर विजन चार्ट है स्नेलन्स टेस्ट टाइप, ये आपका दूर का डिस्टेंस का चार्ट है स्नेलन्स टाइप का जो हमने अभी पढ़ा। AXO TVH सारे लेटर्स इसमें हैं। तो हम बात कर रहे हैं ग्लासेस की, राइट। सो कैसे पता लगेगा कि कौन सा ग्लास क्या है? तो सिंपल सी बात है, याद रखिए कनकेव लेंस जो है वो माइनस है, कन्वेक्स लेंस जो है प्लस है। तो अब इसमें बाई कन्वेंशन हम तो इसको डेली यूज़ करते हैं, हमें पता लग जाता है कि रेड कलर जो है वो कनकेव है या माइनस है। सो कलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कनकेव लेंस या माइनस का जो लेंस है उसमें आपने एक दो बातें याद रखनी है कि कनकेव लेंस हर चीज़ को छोटा करता है और कन्वेक्स लेंस हर चीज़ को बड़ा करता है। सो कनकेव लेंस मिनीफाइज एंड कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइज। आप अपनी एक आँख बंद करके लेट से इस लेंस को, इस शीशे को देखो, तो थोड़ा सा इसको दूर करके देखो आई से, अगर ये हर चीज़ को छोटा कर रहा है तो ये कॉन्केव लेंस है, अगर ये बड़ा कर रहा है तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। फिर आप उसको ऐसे रोटेट करके देखो लेफ्ट से राइट या ऊपर से नीचे, अगर इसकी ओरिएंटेशन या एंगल चेंज हो गया, राइट, तो ये आपका सिलेंड्रिकल लेंस है। अगर ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुई तो ये आपका स्फेरिकल लेंस है। सो मिनीफाई कर रहा है, छोटा कर रहा है, कॉन्केव लेंस है, बड़ा कर रहा है तो कॉन्वेक्स लेंस है, ओरिएंटेशन चेंज हो गई तो सिलेंड्रिकल है। तो जब आप इसको ट्रायल फ्रेम में लगाएंगे तो सिलेंड्रिकल लेंस के ऊपर ये जो दो मार्क्स होते हैं आप ध्यान से देख सकते हैं, तो ये जो मार्क्स हैं ये आपको एक्सिस बताने के लिए हैं कि जब भी आप इसको ट्रायल फ्रेम में लगाओगे जिसके ऊपर मार्किंग्स हैं तो आपको पता लग जाएगा कि इसको आपने कौन से एक्सिस पर लगाया है। तो ये हम एस्टिगमेटिज्म में यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल लेंजेस, और जो बाकी स्फेरिकल हैं वो आपको पता है कि माइनस या कॉनकेव मायोपिया में और प्लस या कॉन्वेक्स हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया में हम यूज़ करते हैं। सो ये एक बेसिक सी तरीका है इन लेंजेस को आइडेंटिफाई करने का कि कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है। ये आपका ऑक्लूडर है, क्योंकि दूर की जो आई साइट है, विजन है, डिस्टेंस, वो हम 1 eye एट अ टाइम चेक करते हैं। लेट से आपने राइट की चेक करनी है तो लेफ्ट में ऑक्लूडर लगा दिया, राइट की फिर लेफ्ट की चेक करनी है तो राइट में डाल दिया, तो दिस इज़ कॉल्ड पिन होल। पिन होल का क्या फंक्शन है कि जब आप पिन होल लगाओगे तो दिस मेक्स द पेशेंट रीड फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट या मैक्यूला, तो जो भी उसकी रिफ्रैक्टिव एरर है वो नलीफाई हो जाएगी। सो अगर पेशेंट की विजन 6/60 है और पिन होल लगाने से उसकी विजन इम्प्रूव हो गई 6/9 या 6/6 तक, तो इसका मतलब उसको रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से आईसाइट कम है। और अगर उसकी विजन पिन होल लगाने के बाद भी उतनी ही है जो पिन होल से पहले थी, तो इसका मतलब उसकी जो विजन है वो रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से कम नहीं है। तो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ सम कॉर्नियल पैथोलॉजी, कैटरेक्ट या रेटिनल पैथोलॉजी या कुछ भी और पैथोलॉजी है। सो होप कि आपको ये बेसिक सी बातें समझ आई होंगी। सो एनी डाउट या एनी क्वेरी इज़ मोस्ट वेलकम। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। आई राइट इट डाउन, इट्स ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। और आप अपने डाउट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, दैट इज़ 9914148661। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।